To become a better leader of tomorrow in just a short amount of time, subscribe to our Archmani Cliff channel. जैसे अभी मैंने क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की है. अच्छा आप करी? मैं हाँ, मैं 37 साल का हूँ अभी. एंड मेरे वो ड्रीम थे कि मैं जो क्रिकेट खेलता था मैं, बट मैं बॉटम एंड ज़्यादा आ रहा है, बल्ला घुमा रहा हूँ, बल्ला सीधा नहीं आ रहा, वो सब जो नुएंसेज होते हैं छोटे छोटे जो आपको शायद 14-15 साल में सीखने होते हैं, मुझे मैंने कभी सीखे नहीं, वो आ नहीं पाए. तो मैंने अभी ज्वाइन किया एकेडमी, मैं जाता हूँ, मैं खेलता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है. तो अब ड्रीम है कि क्रिकेट खेलोगे? ऐसा कुछ ड्रीम नहीं है, कभी कुछ ड्रीम लेके नहीं करता मैं, खेलना है बस. अभी जैसे कहा ना ड्रीम है कि करोगे, तो जब अर्जुन का गांडी हाथ से कांप रहा था, कहता मैं उठा नहीं पा रहा, तो कृष्ण कहते हैं उनको तुम्हारा काम ही नहीं है कुछ सोचना कि तुम युद्ध जीतोगे हारोगे. लेकिन कहता है कि केशव जो फल होता है उसको पाने की चेष्टा में तो कर्म करता है इंसान. कहता वो गलत करता है इंसान, आप बस कर्म करो, फल मैं देख लूंगा, आप बस कर्म करो. तो मैं बस, मेरे को अच्छा लगता है क्रिकेट खेलना तो मैं खेल रहा हूँ, कहाँ पहुँचूंगा नहीं पता, कहीं खेलूंगा नहीं पता, कुछ नहीं पता, बस मेरे को अच्छा लगता है, मुझे उससे बहुत अच्छा लगता है, आज मैं बहुत खुश होता हूँ वहाँ जाके. बस तो ये लॉ में भी ऐसे ही फील था कि मुझे मजा आता है लॉ के बारे में पढ़ना? नहीं नहीं, लॉ तो मैंने किसी की मारने के लिए पढ़ा था. ओके अब समझाओ, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है. क्यों लॉ स्टार्ट किया, क्या करा? भाई जब मेरा केस हो गया एयर एशिया का, तो लॉयर्स वो बेचते थे अपनी. क्या केस हो गया भाई? केस ही हो गया कि मैं ऐसा था कि जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने बहुत बार उस पर इंटरनली मेल पे मैंने कहा सर ये ना मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सेफ्टी इशू, आप एक बार इसको देखो. बहुत बार मैंने ऐसे फ्लैग किया एयर एशिया को, अगस्त में भी किया, फिर दिसंबर में भी किया. पुणे में एक नया टैक्सी बना था, वहाँ पे हम लोग क्योंकि एयरफोर्स बेस नया बना था, घूम के आते. तो हमारा बड़ा जहाज है, जो एयरफोर्स के होते छोटे जहाज होते हैं, तो उनका टर्निंग रेडियस कम है, हमारा ज़्यादा होता है. तो रात को वहाँ लाइट नहीं लगी थी भाई, कभी कभी करा ना चलता है. तो आपने अगर कोई कंप्लेन की, मैं बोलूँगा राज वो 15 लोग तो नहीं कर रहे, तुम्हें दिक्कत है क्या? वो भी तो काम कर रहे हैं, बट देर इज समवन हु हैज टू कम अप. हाँ, तो मैंने ऐसे किया कि सर रात को ना वहाँ लाइट नहीं होती, तो दिखता नहीं आपका लेफ्ट मेन गियर व्हाइट लाइन के अंदर है कि बाहर है. तो कभी कुछ एक्शन नहीं हुआ उस पर. तो फिर वहाँ पे पॉलिसीज ऐसी थी जो कि बाकी एयरलाइन से डिफरेंट थी, बिकॉज आई वॉज कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट एयरलाइन, आई वॉज यूज टू इट. तो वहाँ पे था कि अगर जैसे, अब यार पता है पायलट की सबसे बड़ी दिक्कत क्या भाई, आपका सैटरडे संडे नहीं होता. अब राज मान लो सैटरडे को आपकी घर में एक शादी है, ठीक है, तो आपकी वो प्लान्ड ऑफ आपने मांगा, उन्होंने दे भी दिया. नाउ सिकनेस तो भाई बता के नहीं आती, ना फटीक बता के आता है. सिटिंग हियर टुडे आई कैन नॉट रिपोर्ट सिक फॉर नेक्स्ट फ्राइडे, आई कैन ओनली रिपोर्ट सिक फॉर टुडे और टुमोरो. आई विल नो, आई डोंट नो व्हेन आई विल बी सिक. अगले फ्राइडे क्या होगा? तो आज मान लो वेंसडे आपकी सैटरडे की शादी थी, आपने आज बोला कि आई एम नॉट सिक, आई एम नॉट वेल, आई एम रिपोर्टिंग सिक या आई एम फटीग फॉर वट एवर रीजन, आई डोंट वांट टू फ्लाई. तो आज की सिकनेस को आपका ऑफ कर देंगे और सैटरडे का ऑफ का आपको वर्किंग लगा देंगे. तो यार सोशल लाइफ का क्या आपकी? एंड दैट कमिटमेंट ऑफ नॉट फुलफिलिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट सोशल इवेंट, इट विल कॉज स्ट्रेस इन योर हेड, और यू विल ट्राई टू मेक इट समहाउ. और व्हाट यू विल डू इज, यू नो दिस पॉलिसी, यू विल ट्राई टू फ्लाई व्हेन यू आर सिक. या नाउ दैट कम्स अ प्रॉब्लम. और ये कोई समझना नहीं है कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. ये बीमार हो, फोकस नहीं रखा, ध्यान नहीं, बीमार हो, फटीग हो, आप देखो पता है राज सर्वे हुआ था, मोर देन 50% ऑफ द पायलट स्लीप इन द कॉकपिट बिकॉज दे आर सो फटीग्ड. गूगल कर ले, एंड दिस इज अ स्टोरी विच नो पायलट विल टॉक अबाउट. आई एम नॉट फ्लाइंग विद एनी एयरलाइन सो आई कैन से इट. कोई पायलट आपको ये बताएगा नहीं, सब बोलेगा सब चंगा भैया, वो बंद दरवाजे के पीछे सब चंगा है, क्योंकि उसको पता है कोई बात करेगा तो कंपनी में कि आओ भैया जरा ऑफिस आओ कॉफी पीते साथ में बैठ के. बट आई नो वट हैपन्स बिहाइंड द क्लोज डोर ऑफ अ कॉकपिट वैन वो एक बोर्ड लगा होता है लीव योर ऑल वरीज बिहाइंड दिस डोर. उससे कुछ एयरलाइन तो वो बॉडी ही निकाल दिया. अनदर वे टू टैकल द प्रॉब्लम, बट इट्स अज्यूम दैट यू शुड नॉट टेक एनी थिंग इन साइड द कॉकपिट. यार जब आप ग्राउंड पे हो ना, तो आपके पास राज 10 रिसोर्सेज हैं. आपके सामने आईपैड रखा है, एक लैपटॉप है, एक फ़ोन है, गूगल है, आप कुछ भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन 2 मिनट में निकाल सकते हैं. जब ऊपर प्रॉब्लम होती ना, तो 2 लोग होते हैं खाली, लेफ्ट में कैप्टन, राइट में फर्स्ट ऑफिसर. फर्स्ट ऑफिसर तो वैसे ही ऐसे बैठा होता है, तो कोई प्रॉब्लम होती है ना फर्स्ट ऑफिसर देखता है, सर
बताओ क्या करना है, और वो बंदा अकेला होता है. ऐसा बोलते हैं कि when the first officer sees on his left, he sees the captain, so he's relieved. But when the captain sees on the left, in the mirror, he sees his own image. तो भाई वही है, कोई आपके सामने गूगल नहीं है, कोई हेल्प नहीं है, किसी से बात नहीं कर सकते, आपको अपना डिसीजन देना. एंड इमेजिन एट दैट पॉइंट इफ यू आर फटीग्ड तो क्या होगा. सो वो ऐसे तीन चार इश्यूज थे जो मैंने फ्लैग किए थे. फिर कोविड में था कि जो DDCA के रूल्स आ रहे हैं वो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं हो रहे, और भी एक दो इश्यूज थे, तो वो रेज किए मैंने. फिर उसमें कुछ हुआ नहीं. मैंने DDCA को भी लिख लिया. DDCA को लिखा तो भाई आपके ऑफिस में अगर कोई कंप्लेन करता है तो एटलीस्ट आप एक्नॉलेज तो करोगे ना कि भाई ठीक है, वी विल लुक इन टू इट, डोंट वरी, हम एक इन्वेस्टिगेशन कराते हैं. बट DDCA ने एक्नॉलेज भी नहीं किया आज तक की डेट में. व्हेन आई सिट हियर एंड टॉक टू यू, आज तक एक्नॉलेज नहीं किया. फिर आई हैड नो चॉइस, आई हैड टू मेक अ वीडियो बिकॉज इट वॉज अबाउट सेफ्टी ऑफ पीपल, एंड ये ज़्यादा चल रहा था. व्हेन आई मेड द वीडियो, देन फर्स्ट टाइम DDCA केम आउट ऑन ट्विटर, तो उन्होंने वहाँ एक्नॉलेज किया. मेल पे अभी तक नहीं किया भाई, मेल पे अभी तक नहीं किया, ट्विटर पे एक्नॉलेज किया. तो वो हुआ केस, फिर वो देन आई गॉट फायर फ्रॉम द कंपनी, एंड वो फिर केस चला. देन वो जब केस आता था, जब लॉयर्स लेके के भेजते थे अपनी लिंगों में, तो मुझे कम समझ में आता था भाई कि क्या भेजा, हाँ, क्या कर हाँ. दिया, घुमा घुमा के चार लैंग्वेज लिख दिया. हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट होता है यार. लीगल लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है भाई. एंड आई थिंक अभी भी वो मोदी जी ने कहा था या किसी ने कहा था कि थोड़ा ऐसा सिंप्लीफाई करो कि आम जनता को समझ में आए. भाई तुम्हारा केस चल रहा है और तुम वो पेपर पढ़ के मतलब ही नहीं निकाल सकते हो क्या बोलना चाह रहे हैं. ओनली द जज विल अंडरस्टैंड और द एडवोकेट विल अंडरस्टैंड. आपको कम हवा लगेगी, वो आपको बताएगा ब्रीफ. आप कोर्ट जाना, आप जज के सामने खड़े हो जाना, वो आपके किसकी सुनवाई कर रहा होगा, सर क्या कह रहे हैं. नहीं समझना आपको भाई, बिकॉज इट इज अ लैंग्वेज वेयर ओनली पीपल हैव स्टडीड विल अंडरस्टैंड. ट्रू. तो वो केस था, मुझे लगा यार मुझे पढ़ना चाहिए, बिकॉज जो मेरे साथ बीती है, जो आप बीती है ना, वो जो सफरर है वही बता सकता है सबसे बेस्ट. और कोई नहीं बता सकता, क्योंकि किसी के घर में अगर somebody has lost a son, वो दुख वही बता सकता है जज के सामने खड़ा होकर. मे बी एन एडवोकेट जिसका काम है वो अच्छा से कर सकता है, बट वो नहीं बता सकता कि क्या लॉस हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ. तो मैंने उसके लिए स्टडी करा कि मुझे जानना है कि जिस एफिडेविट में साइन कर रहा हूँ जा क्या रहा है, एंड हाउ कैन आई बींग अ पायलट, क्योंकि पायलट एक टेक्निकल फील्ड है. तो मोस्ट ऑफ द लॉयर्स आर नॉट एविएशन लॉयर्स, क्योंकि उनको भी बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए. तो मैंने कहा आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट मोर, एंड हाउ कैन आई पुट माई एक्सपीरियंस ऑफ दिस टेक्निकल फील्ड इन टू लॉ, उसको प्रेजेंट कैसे कर सकता हूँ मैं. भाई वो केस चला मे में हमने किया था. DDCA ने इंक्वायरी बिठाई एरिशा पे, एंड वी फाइल एन RTI कि क्या हुआ. तो उन्होंने RTI में ऑन रिकॉर्ड दिया कि हाँ इंक्वायरी हुई थी. एंड भाई फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया DDCA ने कोई पोस्ट होल्डर्स को सस्पेंड किया है ऑन अ सेफ्टी कंसर्न, जो कि मैंने हमने सेफ्टी कंप्लेन की थी, और वो पूरा RTI में उन्होंने लिख के दिया कि ऑन द, वो ये हमारे पास सोना लग गया, सोना. ये डॉक्यूमेंट सोना लग गया भाई. भाई एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, आज मैं उनको थैंक यू बोलूँगा, निहाल नाम है उनका. उन्होंने वो RTI फाइल की थी, मुझे पता भी नहीं था. और जिस डिपार्टमेंट में उन्होंने RTI आंसर की, उन्होंने कहा क्या ही RTI कर देते आंसर, उन्होंने कर दी और वो मर गए भाई उसके बाद. क्या था उसमें, व्हाट एक्शंस हैव यू टेकन ऑन द कंप्लेंट ऑफ कैप्टन गौरव सरेजा. उसने कहा कि अनप्लान ऑडिट वाज, सेफ्टी ऑडिट वाज कंडक्टेड फॉर एयर एशिया सो एंड सो, रॉन्ग जो भी पाया गया, एंड चीफ ऑफ ऑपरेशंस एंड चीफ ऑफ फ्लाइट सेफ्टी वर सस्पेंडेड. तो क्योंकि क्या लॉ एक ऐसी चीज़ है ना, बहुत घुमा सकते हो कोर्ट में, है ना. तो उन्होंने घुमाने की कोशिश की, यार वो सस्पेंड हुए थे बट अलग रीजन से हुए थे, इसकी कंप्लेंट पे नहीं हुए थे, DDCA ने पहले एक्नॉलेज नहीं की कंप्लेंट, और वहाँ मर गए, RTI मर गए भाई, गंदा मर गया. तो वैसे ये पूरा उसके लिए लॉ पढ़ा, पूरा उसके लिए लॉ पढ़ा. फिर इंटरेस्ट आ गया भाई उसके बाद. वो छूट क्यों गया, छूट इसलिए गया भाई क्योंकि अटेंडेंस के बड़े पंगे होते हैं यार. 70% चाहिए आपको एग्जाम में बैठने के लिए. पहले दो सेमेस्टर कर ली मैंने, तीसरे सेमेस्टर में गया तो मेरी 70 से कम रह गई, मेरी रह गई 54. तो फिर मुझे बैठने नहीं दिया गया, और पढ़ाई तैयारी मेरी पूरी थी. वो CRPC वाला था, CRPC एविडेंस लॉ वाला एग्जाम था मेरा, पूरा पढ़ के गया, पिछले साल कौन से क्वेश्चन है सब तैयार करके. एडमिट कार्ड नहीं आया, बैठने नहीं दिया गया क्योंकि अटेंडेंस नहीं थी. अब भाई एक बेसिक चीज़, जैसे लोग इसके बारे में बोलते हैं कि आप क्यों छोड़ दिया, आपने एक सीट बर्बाद कर दी, वो कर दिया.
लॉ पढ़ के मैं कभी भी उतना पैसा नहीं कमा पाऊंगा जितना मैं अभी कमा रहा हूँ, ठीक है, अनलेस आई बिकम द राम जेठमलानी या अदर बिग शॉट्स ऑफ इंडिया, जो कि मतलब हरीश साल, हरीश साल, वो कभी नहीं आप बन पाएंगे, क्योंकि आप मेन काम कुछ और है, आपने पढ़ाई किसी और चीज़ के लिए की थी। तो अब मुझे काम आ गया, जैसे मुझे मुंबई जाना है शूट के लिए या चेन्नई जाना है, कुछ काम आ गया, ब्रांड इज पेइंग मी टू डू दैट जॉब, तो मुझे लगता है यार आई हैव टू लुक फॉर माई फैमिली एंड फर्स्ट जॉब में ही ब्रेड अर्न करूँ अपने बच्चों के लिए, वो बड़े हो रहे हैं, उनका फ्यूचर सिक्योर करना है, एजुकेशन महंगी हो रही है, रहना खाना महंगा हो रहा है, तो पहले मैं वो करूँ, तो वो करने जाता तो फिर यहाँ अटेंडेंस छूट जाती भाई। तो या तो मुझे बस एग्जाम में बैठे तो फिर मैं फोड़ लूँगा, मुझे इतना है उतना उखाड़ लूँगा मैं, बट वो चीज़ हो गई। प्लस मुझे लगा कि 54% करी, 70 नहीं हो पाई एग्जाम में बैठने, वो 54% बर्बाद हो गए ना मेरी यार, मैं सचा फिर वो दो नहीं जाता दो ब्लॉग बना के एक्स्ट्रा मैं कमाई लेता फिर यार, तीन ब्लॉग बना के। दूसरी दिक्कत राज, व्हाट हैपेंड वाज व्हेन आई गो टू कॉलेज, वो सब वहाँ पे 21-22-23 के हैं, मैं 37 को, थोड़ा सा मेरा कनेक्ट नहीं बैठा। ओके, प्लस सोशल सर्कल में, हाँ मुझे लगा कि मैं जाके मजे करूंगा, मुझे लगा कि मैं कॉलेज लाइफ दोबारा जीऊंगा, मैंने हार्ले वार्ले ले ली, मैं मस्त रोला जमाएंगे। तो हुआ ये कि एवरीबडी वॉज यार वो फ्लाइंग बीस्ट है आते भी थे बात करने तो सेल्फी के लिए, और फिर हाउ इज रितु मैम, हाउ इज रशि, तो एक खुल गई नहीं बात, मतलब ना मेरी हो पाई कॉलेज वाला एकदम दोस्ती यारी नहीं हुआ, वो नहीं आया, वो मुझे फिर लगा कि वो बताएं, वो तो मेरे जो कॉलेज फ्रेंड्स है ना वो उनके साथ ही है, जब मैं उनसे मिलता हूँ वो थोड़ा मेरे को फ्लाइंग बीस्ट बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, वो तो वही जैसे पहले संबोधित करते थे आज भी संबोधन वैसा ही है, कैसे संबोधित करते हैं बताओ वो संबोधन वही है उनका तो, बट वो एक और था कि मेरा फिर मन ही नहीं किया जाने का, कि मुझे बोझ लगता था। दूसरा चीज़ कि कॉलेज में ऐसा होता है भाई, सुबह 9 बजे गए, 9 से 10 क्लास है, 10 से 11 खाली है, फिर एक और कुछ नुक्कड़ नाटक हो गया, फिर चलो चलो आज सब लोग वहाँ लाइब्रेरी में जाके वो करेंगे, तो यार मेरे को जमा नहीं, बिकॉज मेरे तो टाइम की वैल्यू बना, अब वो स्टूडेंट लाइफ नहीं रही ना, यस अब सिर्फ फालतू टाइम पास नहीं रहा, कि चलो पूरे दिन यहीं बैठे, मेरा काम अटका हुआ पीछे यार, तो मुझे वो फिर, और भाई लाइफ ऐसी होती है मतलब, और ये रेपरकशन जब एनरोल कर रहे थे ना तब ध्यान भी नहीं आता, नहीं आते, लगता कि पढ़ लेंगे, मुझे मेरा है कि अगर मैं 2 घंटे हूँ ना कॉलेज में, मैं मुझे 2 घंटे में 3 घंटे का पढ़ा दो, भाई वैल्यू तो टाइम की है और किसी चीज़ की वैल्यू नहीं है, अगर वो चला गया ना तो वापस नहीं आएगा, तो वो चीज़ थी। प्लस एक ये भी था यार कि ये चीज़ें कभी एक्सप्लेन नहीं की व्लॉग में, क्योंकि लगा शायद लोग शायद ना समझें, क्योंकि और भाई रियल लाइफ ना ऐसे ही होती है, छोटी छोटी दिक्कतें होती ही रहती है, आप जब, और ये कंटेंट क्रिएटर के साथ ज़्यादा है क्योंकि आप उसका रोज़ का दिन देख रहे हैं, जब आप एक सक्सेसफुल स्टोरी सुनते हैं किसी एंटरप्रेन्योर की जो सक्सेसफुल हो गया, भाई वो भी 7-8 बार फेल हुआ होगा, फिर वो उसने अचीव किया, एक बना दी यूनिकॉर्न, आपको यूनिकॉर्न की स्टोरी बताया, तो अगर मैं लॉ नहीं कर पाया या कुछ दिक्कतें थी तो ये मेरा फेलियर हो गया, बट सबको पता है इसके बारे में, है ना, तो पीपल ओपन है और पीपल क्रिटिसाइज करेंगे शायद उसके बारे में, बट हाँ अगर खोल के देखोगे नीचे ना तो लाइफ थोड़ी सबकी ऐसी ही है, 10 बार फेल होते हो, 1 बार सक्सेसफुल होते हो, दिस इज रियल लाइफ होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप टिल द एंड, फॉर मोर सच अमेजिंग इनसाइटफुल क्लिप्स, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल।